पुस्तक का विमोचन द पॉलिटिकल ऑब्जर्वर लेखक वरुण शर्मा जी, सबसे पहले मैं उन्हें बधाई भी देता हूँ और शुभकामना भी देता हूँ कि उनका ये क्रम आगे जारी रहे और समाज को और छत्तीसगढ़ को कुछ नई चीज लगातार देते रहें। आज के इस आयोजन में हमारे साथ मंच में बैठे भी वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मुक्तिबोध जी विशिष्ट अतिथि, वरिष्ठ पत्रकार गोपाल से पधारे हमारे मित्र गिरिजा शंकर जी, प्रदेश प्रभारी आम पार्टी संजीव झा जी, प्रवीणनाथ मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार, गिरीश चंद मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार, अजय भान जी, रमेश अनुपम जी, यशवंत गोहिल जी, मीनाल असर जी, माननीय वीरेंद्र पांडे जी, वरुण सखा जी, बजाज जी और सभी यहाँ उपस्थित वरिष्ठ पत्रकारगण, आमंत्रित विशिष्ट अतिथिगण, मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पे मैं IBC 24 के सहकारी संपादक वरुण सखा जी के इस किताब और इस किताब के बारे में मैं चूँकि किताब पढ़ने का शौक जरूर है, मगर किताब की समीक्षा करना मेरे लिए सबसे कठिन काम है। ये बहुत कठिन काम मेरे जैसे व्यक्ति को दिया है जो किताब पढ़ने में रुचि रखता है, मगर इस प्रकार की समीक्षा करना ये पत्रकारों के ही बस की बात है। मैं इस बार आपके बीच आया हूँ बधाई देने के लिए और ये एक लंबे दौर पे छत्तीसगढ़ में कैसे कैसे क्या हुआ 1998 फिर 2008 फिर 2018 राजनीतिक घटनाक्रम में जो परिवर्तन होते गए, और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ का वो दौर जब 2000 में केंद्र में अटल जी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और आज हम 23 साल में के बाद यहाँ बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में इस 23 साल की यात्रा में बहुत उतार चढ़ाव आया है, बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए और प्रदेश की स्थिति बदली, प्रदेश में राजनीतिक बदलाव आया, सभी बदलाव को महसूस किया और जाहिर है ये किताब जब लिखा गया ये पूरे 23 साल के अनुभव का निचोड़ है। जब पत्रकारिता करते हैं और कुछ लेख लिखते हैं और लेख को जब किताब के शक्ल में सूचीबद्ध करते हैं तो मुझे लगता है कि इसकी समीक्षा करना सबसे आसान हो जाता है, क्योंकि समय की कसौटी पर जो बातें 1998 में 2000 में बोली गई 23 साल बाद उसकी प्रासंगिकता कितनी है, इस किताब को पढ़ने के बाद उस घटनाक्रम को याद आता जाएगा कि छत्तीसगढ़ में घटना मेरी आंख के सामने गुजरा था और हमारे सखा जी ने उस पर उस समय जो प्रतिक्रिया दी थी वो कितना जीवंत है और आज भी समय के अनुकूल समय के बाद भी 23 साल बाद भी वो यथार्थ यदि जिंदा है उसमें सच्चाई नजर आती है, तो ये सबसे बड़ी जीत है सखा जी की। इसको उन्होंने कायम रखने का प्रयास किया है, इसको पूरी किताब को पढ़ने के बाद आपको भी लगेगा कि बहुत ही तटस्थ भाव से एक निरपेक्ष भाव से वो चाहे मेरा कार्यकाल हो चाहे उसके बाद का कार्यकाल हो उन कार्यकाल में होने वाली घटनाओं को सजीवता के साथ न केवल चित्रांकित किया है, उनको बताने का प्रयास किया है बल्कि उन घटनाओं को जोड़ने का प्रयास किया है। सखा जी की पुस्तक राजनीति के प्रमुख अंगों सामाजिक सुधार विचार और भागीदारी की बात करती है। वरुण सखा के भीतर रिपोर्टर को उन्होंने जीवित रखा, संपादक को जिम्मेदार रखा, पुस्तक की निष्पक्षता और निष्पक्षता इसलिए मैं कहता हूँ कि वो घटनाक्रम जो उस दौर में हुए थे वो इस बात के गवाह हैं कि उस दौर में घटनाक्रम के बारे में जो बोले गए जो लिखे गए उसके कुछ बातें मुझे आज वापस याद कर रहा हूँ मैं उन घटनाक्रमों को और उस टिप्पणी को। इन्होंने न केवल समाचार बनाया, समाचार के साथ ही साथ उस समय के तात्कालिक टिप्पणी भी अपनी जोड़ दी। ये समीक्षा पाठक के ऊपर भी रहता है और लेखक के भी सोच पर रहता है कि वो कितनी मजबूती के साथ अपनी बात को व्यक्त करता है।
जैसे समाचार बना राहुल गांधी के इस्तीफे और उस पर एक आलेख है, मगर अंत में उसमें लिखा है कि संपादक उसमें लिखता है कि पदभार संभालना चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। एक टिप्पणी भी है उसी के साथ जुड़ा हुआ। आज समय के अनुसार यदि हम सोचते हैं उस समय लिखा हुआ है और आज ये कितना सामयिक है कि पदभार छोड़ दिया, उसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है और क्या प्रतिक्रिया होगी इस बात को देखें। कृषि बिल पर टिप्पणी आप देखेंगे, माननीय मोदी जी ने कृषि बिल लाया फिर बाद में वापस किया, किन परिस्थितियों में किस झंझावात को झेलते हुए किन किन कारणों से उस बिल को वापस लिया गया, उसकी तात्कालिक समीक्षा जो लिखा है वो निश्चित रूप से मुझे अच्छा लगा। चिटफंड के स्थायी समाधान क्या हो सकता है, ये छत्तीसगढ़ का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उस चिटफंड के स्थायी समाधान की दिशा में उंगली दिखाने का प्रयास किया है और वो न केवल पत्रकार हैं, न केवल वो संपादक हैं, बल्कि उनके अंदर छत्तीसगढ़ और रायपुर की तकलीफ भी है और युवकों की पीड़ा को व्यक्त करने का काम भी करते हैं। वो ऑडिटोरियम के लिए किए गए आंदोलन में शामिल होना ये बताता है कि रायपुर की समस्याओं के लिए संघर्ष के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति सखा जी है। उन्होंने काम एक बहुत अच्छा चित्रण जो वक्त के साथ इतना वक्त गुजर जाने के बाद आप समीक्षा करेंगे पढ़ने के बाद महसूस करेंगे, अजीत जोगी जी के जीवन के उतार और चढ़ाव, राजनीतिक घटनाक्रम में किस ऊंचाई पर पहुंचे और उसके बाद राजनीतिक दल का गठन किया और उस दल के गठन के बाद आगे की घटनाक्रम को जो चिन्हांकित करने का काम किया है, वो समय के इस पूरे कसौटी पे यदि खरा उतरता है और आज जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि एक जोगी जी के बारे में एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उनके विचारों को चिन्हांकित किया है। एक घटना राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक चौबे जी के जब नक्सलियों ने हत्या की उससे पर समाचार है और उस समाचार पर टिप्पणी भी है कि शहादत पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए, चौबे की शहादत बेकार नहीं जाएगी, उस पर एक टिप्पणी उन्होंने की है। हिंदी पे हो रही सियासत पर उन्होंने लिखा एक बहुत ही छू लेने वाली बात और वो फोटो समाचारों में बहुत छपा, राष्ट्रपति मुर्मू जी नंदी के कान पे कुछ बोल रहे हैं। अब ये फोटो है वो बस, अब राष्ट्रपति जी नंदी के कान पे क्या कह रही हैं, उसकी क्या क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, वो उसके लेख में आप देखेंगे तो जैसे उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू नंदी के कान पर कह रही हैं, यह बताने और प्रमाणित करने का प्रयास है कि संदेश प्रतीकों में संदेश छुपे हैं और जनजाति समाज अनुसूचित जनजाति की राष्ट्रपति बनने का प्रभाव समाज पर क्या पड़ सकता है उसको भी चिन्हांकित करने का प्रयास किया है। धर्मांतरण का इस पर क्या कोई असर हो सकता है इस विषय को उन्होंने किया है और ये संदेश देने का प्रयास किया है।